जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए और अब की बार तो सावन भी है और अधिक मास भी है। प्रत्येक वर्ष का नियम है, शास्त्र कहता है अधिक मास के महीने में भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाए, राम को लगाए, कृष्ण को लगाए, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरी चंदन। कौन सा चंदन है? हरी चंदन। हरी चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरी चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए और जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डालकर तैयार कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं, जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगा। क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो तो उसकी छांव तुम्हारे वहां नहीं आएगी। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठ कर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता होता उससे जुड़ता 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 एक दो तीन चार पीछे पांच साइड में छह ऐसे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया। जिसपुरी में आप जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो, कांची जा रहे हो, जगन्नाथ जा रहे हो, द्वारका जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो, उज्जैनी जा रहे हो, आप जिस पुरी में जा रहे हो, जिस पुरी में था उसका मन शिव कथा कह रहे हैं। गोयल का तुम जन्म हो ऐ सती, जिस समय पर दो आसार पड़ेंगे और तुम मेरी आराधना करोगे तब मुझे वापिस पा लोगे महाराज। शास्त्र कहता है अधिक मास के महीने में शंकर के मंदिर में किया गया दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, जो भी दान हम शिव मंदिर में करते हैं उसका फल हमें शीघ्रता में ही प्राप्त, अधिकता में ही प्राप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर कर रहा, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव की ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।